फुलकोबी को थरे मात्र एमती बनेकी देखंतु देखिबे पूरा मजा आसीजिबो। घरे थिबा किछिटी सामग्री रु एही कोबी को आमे बनेकी रेडी करिबा। याकु आपण माने थरे बनेला परे यार स्वाद को बिल्कुल भी भूली परिबे नाही। नमस्कार, मु लक्ष्मी, रोसे विद लक्ष्मी रे आपण माने को अनेक अनेक स्वागत। एबे आसंतु देरी न करी फटाफट रेसिपी टी स्टार्ट करिनेबा। एही रेसिपी बनेबा पई प्रथमे गोटे कढ़ाई गरम करिने छी। आउ एबे एथरे गोटे रु डेढ़ ग्लास पाखापाखी पानी दे दबा। पानी दे सला परे एबे एथरे अर्धा चमच पाखापाखी दे दबा लुण। आउ लुण को पानी संगे टिके भलसे मिक्स करिनेबा। कोबी रा ए रेसिपी बनेबा पई हमको त निहाती कोबी दरकार। त एडी मु किछि कोबी नै छी। आ कोबी को एमते बड़ बड़ करी काटि के भलसे धोई के रखि दिली। एई पानी मध्ये रे हमें कोबी की दे दबा। आ कोबी सहित एटी मु नै छी गोटे मीडियम साइज रा आलू। आलू रो चोपा छोड़े के एमते लंबा लंबा काटि के एई कोबी संगे रे ऐड करी नै छी। एबे हमें गैस रा फ्लेम को मीडियम रे रखि के गोटे रु 2 फुटणा आसीबा पई छाड़ी देबा। एडी देखंतु किछि समय परे गोटे रु 2 फुटणा आसी जाय छी। तो ए समय रे हमें कोबी को बाहर करि नबा। कोबी को हमें बिल्कुल भी ओवर कुक करबा नै, 50% भले कुक करि नेबा। एटी आमे खाली कोबी को बाहर करि नबा, किंतु आलू को आउ किछि समय पे फुटिबा पई छाडिबा। आलू टिके जल्दी सिजिबा पई याकु म टिके कवर करि नै छी। एटी देखंतु आउ गोटे रु 2 मिनिट आलू को फुटेला परे आलू केटी मु बाहर करि नै छी। आउ देखंतु एटी आलू हमर पाखा पाखी 80% भलिया सिजि जाय छी। तो एबे ए समय रे सब आलू गुडा का मे बाहर करके गोटे प्लेट मध्ये रे रखिने पा। एबे ए मु सेम कढ़ाई रु पानी को बाहर करि नै छी। आ कढ़ाई को पुनी थरे गरम करी 2 बड़ा चम्मच पाखा पाखी रिफाइन तेल दे दी छी। आपण रिफाइन तेल जकरे सोरिस तेल मध्ये यूज करि परिबे। तेल भल से गरम हे गला परे हमें सिजे की रखितिबा कोबी एवं आलू को ए तेल मध्ये रे दे दबा। आउ गैस रा फ्लेम को मीडियम रे रखी कि आको हल्का हल्का लाइट गोल्डन करके भाजी ने पा। कोबी एवं आलू को एमती टिके बॉईल करके भाजीबा द्वारा कोबी रे जो गोटे आइसनिया स्मेल ता थाए सेटा कटि जाय थाए। आउ तरकारी हमर खाइबा को बहुत ही टेस्टी लागी थाए। आउ कोबी को गरम पानी रे बॉईल करबा द्वारा कोबीटा भल से क्लीन मध्ये होई जाय थाए। एटी देखंतु पाखा पाखी 2 रु 3 मिनिट परे कोबी एवं आलू हमर लाइट गोल्डन हे कि भाजी हे जाय छी। तो कोबी को हमें एमती ही भाजीबा, याटो बेसी कड़ा करके भाजीबा नहीं। एबे आको हमें काढ़ी की गोटे प्लेट मध्ये रे रखि नेबा। आउ एबे सेही बड़का तेल रे एटी मु नै छी 2टी मीडियम साइज रो प्याज। प्याज को पूरा एमती पतला पतला स्लाइस करके काटि नै छी। आ हाथ रे एमती घसीबा मात्र के प्याज हमर पूरा पाखुड़ा पाखुड़ा हो जाय छी। तो प्याज को एमती काटि नेबे। आ तेल भले से गरम हेला परे जाय के हमें प्याज को ऐड करि नबा। आ प्याज को हमें पूरा लाइट गोल्डन करके भले से भाजि नेबा। प्याज को भाजिला बेले हमें गैस रा फ्लेम को मीडियम रे ही रखिबा। एटी देखंतु प्याज हमर लाइट गोल्डन हे गलानी। तो प्याज को हमें एत्ती के ही भाजिबा, काहे ना प्याज गरम रे तार कलर चेंज हो जाए थे। तो काढ़ला पर देखिए प्याज हमर आउ टिके भी गोल्डन हो जाए। तो ए स्टेज रे हमें प्याज को काढ़ी नबा। याठो जदि अधिक हमें प्याज को भाजिबा ना, तो प्याज ठंडा हेला भितर पोड़ा टाइप रा ब्लैक ब्लैक कलर हो जाए। प्याज को काढ़ी सारा पर हमें ठंडा हाबा को छाड़ दबा। आ सेते समय भितर एटी मु किछि गोटा मसला नै छी, जेंति कि गोटे गुजराती खंडे दालचीनी, गोटे लवंग, 4-5 टी गोलमरीच आ अधा चम्मच जीरा। ए सब गोटा मसला को तेल रे दे दे छी। आ जीरा टिके भल भाव रे फुटी गला परे एटी मु 2टी मीडियम साइज रो टमाटर रो एंती प्यूरी बने के रखी थी। तो ए प्यूरी की एई तेल मध्ये रे दे दबा। आपण चाहले टमाटर को काटि के दे परबे, किंतु टमाटर प्यूरी दबा द्वारा ग्रेवी रो कंसिस्टेंसी ता बहुत ही बढ़िया आसीबो। एटी देखंतु प्याज ठंडा हे गला परे यार कलर टिके चेंज हो जाय छी, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हे कि भाजी जाय छी। एटा ठंडा हे गला परे यार गोटे हमें पेस्ट बने के रेडी करि नेबा। आउ एबे हमें ए टमाटो प्यूरी रे दे दबा स्वाद अनुसार लुण। अर्ध छोटो चम्मच दे दबा टी हळदी गुंड। आ गोटे चम्मच पाखा पाखी एटी दे दबा हमें लंका गुंड। आउ ता सहित एटी दे दबा गोटे चम्मच धनिया पाउडर। आ अर्ध चम्मच दे दबा टी जीरा पाउडर। ए सब गुंड मसला को टिके बहुत भल से मिक्स करि नबा। टमाटो सहित गुंड मसला को ऐड करबा द्वारा गुंड मसला रो पोड़ीबार भय न थाए। आउ एबे इतरे दे दबा गोटे चम्मच पाखापाखी अदा रसुण पेस्ट। अदा रसुण पेस्ट को मध्ये बहुत भल भाव मिक्स करि नबा। आ गैस रा फ्लेम को लो मीडियम रे रखी कि आको 2 रु 3 मिनिट पे भल से कसि नेबा।
एट देखंतु मसाला हमर बहुत भलो से कसी हेगलानी तेल मध्य बाहर को बाहरी आसलानी। एबे एथरे मु भाजी के रखीतिबा पियाज को भलो से ग्राइंड करि नै छी आ तार पेस्ट ताको ए समय ऐड करि नबा। ता सहित एटी मु नै छी 4-5 चम्मच पाखा पाखी दही, दही की भलो से फेंटी नै छी, एथरे किछि भी लम्स नै त दही की ए समय रे मध्य ऐड करि नबा। आ दही को ऐड कला बेले हमें गैस रा फ्लेम को बिल्कुल लो रे ही रखीबा, नहले त दही ता हमर छिंडी की छेना हे जाई पारे। ए सब जिनस के बे भलो से मिक्स करि नै छी, याको हमें गोटे मिनिट पर्यंत भलो से कसि नेबा। एटी देखंतु मसाला को गोटे मिनिट पर्यंत भलो से कसला परे दही रु हमर घी गुडा को रिलीज है कि बाहर को बाहर ही आसी छी, मसाला रु बहुत बड़ा बासना मध्ये आसु छी, बहुत बड़ा कलर मध्ये आसी जाय छी। तई समय रे हमें भाजी के रखी थी आलू एवं कोबी को दे दबा। ता सहित एटी मु किछि धनिया पत्र को एमती छोटो छोटो करके काटी के ऐड करि नै छी। धनिया पत्र को मसाला संगे रे कसिबा द्वारा गोटे बहुत बड़ा फ्लेवर आसी थाए। ए सब जिनस को टिके बहुत भले से मिक्स करी नबा आ गैस रा फ्लेम को मीडियम रे रखी के कोबी आलू को हमें आ गोटे मिनिट पर्यंत भले से कसि नबा, जहा पर कि कोबी आ आलू संगे मसलाटा भले से मिसि जिवो। एक देखंतु आ गोटे रु 2 मिनिट कसिला परे मसाला गुडे के हमर टिके आग अपेक्षा ड्राई हे जाय छी आ कोबी संगे रे आलू संगे रे मसला टिके भले से मिसि जाय छी। तई समय रे हमें आवश्यक अनुसार पानी दे दबा। प्रथमे एटी मु आधा ग्लास पानी देउ छी। पानी दे सारा पर या भल से मिक्स करुच्ची, जदि मत टे पानी कम लगे तो ये मुझे पानी आड करे। ये देखो ग्रेटा मत बेस बहलिया लगुला से अल्प पानी दे दीजिए, पा दे सारा पुणी थे भल से मिक्स करें कभर लगे दबा। आ कभर लगे लो फ्लेम 5 मिनिट पर या सीझापी छाड़देव। ये देखो पखापाखि 5 मिनिट पर मुझे लिड काढ़ चेक कर देखंतु ग्रेवी रे केते सुंदर कलर आसी जाय छी, तेल गुडा पूरा बाहर को बाहरी आसी छी। तई समय रे हमें आधा चम्मच पाखा पाखी गरम मसाला दे दबा। गरम मसाला दे सला परे आकु टिके भल से मिक्स करि नबा। आ एठी ग्रेवी रे कंसिस्टेंसी देखंतु बिल्कुल परफेक्ट। तई समय रे हमें गैस रा फ्लेम को ऑफ करि नेबा। याकु आपण रोटी परटा नहले त गरम भात संगे रे खाई परिबे, खाइबा को बहुत ही स्वादिष्ट लागिबो आ स्वादटा टिके डिफरेंट आसीबो। ताहले फुल्लो कोबी को आपण थरे एमती बने की खांतु आ बने की खाइला परे केमती लागला मते मो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निसंद जणांतु। आशा करूची आज रे रेसिपी टी आपण मान को निसंद पसंद आसीथिबो। पसंद आसले वीडियो को लाइक शेयर करबे को बिल्कुल भी भूलिबे नाही। आ आगु को एमती का नुवा नुवा रेसिपी रे वीडियो देखिया पे मो चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु। तबे आज पे रहूची, बाय, पुणी देखा हबा को नुवा रेसिपी सहित।